नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। बद्रीनाथ में चार धाम यात्रा की रोक हटने के बाद एसडीएम जोशीमठ ने जूस पिलाकर मौनी महाराज का तोड़ा आमरण अनशन। बद्रीधाम में पिछले 20 घंटों से उत्सव का माहौल है। वहीं देवस्थानम बोर्ड ने यात्रा तैयारी पूरी कर ली है। माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के बाद बोर्ड अब नए सिरे से यात्रा तैयारियां कर रहा है। अब मानक प्रचालन विधि के मुताबिक कोरोना बचाव मानक और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए तीर्थयात्री चार धाम यात्रा के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। वहीं बद्रीश संघर्ष समिति ने निकाली ढोल नगाड़ों के साथ शोभा यात्रा। माननीय हाईकोर्ट की चार धाम यात्रा पर लगी रोक हटने की खबर के बाद बद्रीनाथ धाम में खुशी की लहर है। वहीं बामणी गांव की महिलाओं और बद्रीश संघर्ष समिति ने मौनी महाराज जी का तुलसी माला के साथ अभिनंदन किया। स्थानीय होटल कारोबारी राजेश मेहता बताते हैं कि यात्रा खुलने की खबर से चार धाम यात्रा से जुड़े बद्रीनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित समाज सहित जोशीमठ क्षेत्र के सभी छोटे बड़े होटल कारोबारियों, स्थानीय लोगों, दुकानदारों और हक हुकूक धारी पड़ा समाज सहित सभी लोगों में खुशी है। लोग कल से जश्न मना रहे हैं और धाम में तीर्थ यात्रियों के स्वागत के लिए तैयार हैं। और अब 18 सितंबर से यात्रा शुरू होने को लेकर बद्रीनाथ धाम के कारोबारी अपने अपने कारोबार को सजाने संवारने में जुटे हुए हैं। मैं देश के सारे यात्रियों को विशेष शुभ सूचना देना चाह रहा हूं कि आज माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल ने चारों धामों की यात्रा प्रारंभ करने के निर्देश दे दिए हैं। बस जैसे ही सरकार निर्देशों को हम तक पहुंचाती है, हम तुरंत आपको सूचना देते हैं। जैसे एसओपी आती है, अर्थात यात्रा निर्देश आते हैं, हम आप तक पहुंचाते हैं और तदनुसार आप बद्री, केदार, गंगोत्री, जमुनोत्री चारों धाम यात्रा में आए। बस माननीय कोर्ट का धन्यवाद है, सरकार का धन्यवाद है। अब सरकार से निवेदन है यथाशीघ्र यात्रा के नियम बता दें और तदनुसार यात्रा प्रारंभ हो जाए। हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई और चारों धाम के लोग माननीय कोर्ट का साधुवाद धन्यवाद करते हैं। बद्री विशाल भगवान की जय, चारों धामों की जय। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। भगवान नारायण के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं सभी चार धाम संघ और उच्चतम न्यायालय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि माननीय उच्च न्यायालय ने चारों धामों की यात्रा खोल दी है। और सबसे ज्यादा प्रसन्नता की बात यह हुई कि जो लोग इन चार महीनों से इतने बेरोजगार थे, वो लोग भी, उनको भी रोजगार मिलेगा और वो भी अपना जीवन यापन कर सकेंगे। मेरा सभी चारधाम के वासियों को बहुत बहुत बधाई है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है जो इस चारधाम के मुहिम में जिन्होंने पूरा पूरा साथ दिया और उनके अथक प्रयास से आज यात्रा खुली है। मैं एक बार फिर से न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय बद्री विशाल। मित्रों, हम सबकी बहुत प्रतीक्षित मांग थी चार धाम यात्रा प्रारंभ हो। आज यात्रा को विधिवत खोलने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश जारी कर दिए हैं। मैं माननीय उच्च न्यायालय के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज जो यात्रा रूट के व्यापारी हैं और जो हमारा पंडा समाज है, उन सबकी जो मांग थी उस मांग को एक सफलता हमको प्राप्त हुई है। मैं जानता हूँ कोरोना काल में विगत वर्ष और इस वर्ष भी जिस अपेक्षा के हम से यात्री को आना था वो आ नहीं पाए और हम मुझे पूरा विश्वास है कि अभी यात्रा का लंबा समय है, लगभग 2 महीने से ज़्यादा यात्रा का समय है। और मेरा अपेक्षा रहेगी पूरे देश के सभी धर्मावलंबी नागरिकों से कि इस समय पर उत्तराखंड का मौसम सुहावना है और आप निश्चित रूप से यात्रा के लिए आएंगे तो बड़ी संख्या में आप चारों धामों के दर्शन करने का भी सौभाग्य आपको प्राप्त होगा।